हेलो दोस्तों, अभी अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अगर आप लोग 10th और या फिर 12th का रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा लिंक देने वाले हैं, जिस लिंक की मदद से आप केवल रोल नंबर डालकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो कि मेरा कितना नंबर आया है। चाहे आप 10th का रिजल्ट चेक करो या फिर 12th का, दोनों का एक ही लिंक है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ध्यान से देखिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप फाइनली उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है या फिर लिंक पर क्लिक करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने मोबाइल में क्रोम, गूगल या फिर ऐसा कोई भी ब्राउजर होगा जहां पर आप सर्च कर सकते हैं तो आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं गूगल ओपन करता हूं। जैसा कि दोस्तों मेरे मोबाइल में गूगल ओपन हो चुका है, अगर आपके मोबाइल में भी गूगल होगा तो आप ओपन कर लीजिए। गूगल तो आवाज़ से होगा, गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र होगा ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको सर्च बार में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सर्च बार में आपको लिखना है MGB। जैसे ही आप MGBResult.com सर्च करिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ पेज खुलेगा, ठीक है। तो देखिए ये पेज खुलेगा और इसी पेज में आप सबसे नीचे जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे नीचे जाइएगा तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट इस दिन जारी होगा रिजल्ट, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए बैक आ जाइए और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड कहाँ लिखा है, और नीचे स्क्रॉल करिए तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड यहाँ पर लिखा है, तो आप इस पर फाइनली क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट पर, तो आप लोगों के सामने एक पेज खुलेगा और इसी पेज में आप सबसे नीचे जाइएगा, सबसे नीचे जाइएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा, छोटा सा एक लिंक मिलेगा। देखिए ये वाला लिंक, ठीक है, ये वाला जो लिंक आपको मिल रहा है ना, इस लिंक को आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। इस लिंक को ऐसे करके आप लोग कॉपी कर लीजिए, इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, फिर बैक आइएगा। कॉपी करने का बैक आ जाइएगा उसी सर्च बार में और उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा, जो आप कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दीजिए और फाइनली खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा रिजल्ट लिंक 1, लिंक 2 रिजल्ट। देखिए 10th का यहाँ पर 2 लिंक मिलेगा और 12th का यहाँ पर 2 लिंक मिलेगा। आप किसी भी एक लिंक की मदद से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं 10th का रिजल्ट चेक करूँगा और सेकंड लिंक पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर रोल नंबर और कैप्चा कोड के साथ आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। जाओ फटाफट सभी लोग जल्दी से यहाँ से अपना रिजल्ट चेक करो, 10th में या फिर 12th में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।